ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान का चैप्टर दूसरा यानी वर्गीकरण चल रहा है। इस वर्गीकरण की प्रक्रिया में हम आज आप लोगों के सामने जीवों का पास जगत वाला वर्गीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम काफ़ी वर्गीकरण से संबंधित बता चुके हैं। जैसा कि लैमार्क के द्वारा, अरस्तु और लैमार्क इन सब के द्वारा वर्गीकरण की प्रक्रिया बता चुके हैं, और कैरोलस लिनियस के द्वारा भी बता चुके हैं। तो थोड़ा सा इसमें ये चीज़ है कि जीवों का पास जगत वाला वर्गीकरण जो है, तो आप जानते हैं कि मनुष्य सबसे पहले या आज तक इस पृथ्वी पर विशेष रूप से दो प्रकार के जीवों की पहचान किया है, जिसमें फर्स्ट नंबर होता है जंतु यानी जिसको प्राणी कहते हैं, एनिमल। दूसरा है वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे या पौधों, इनकी पहचान किया है और इन्हें दो जगतों में बताया है। फर्स्ट जगत यानी जंतु जगत, दूसरा जगत है पादप जगत। तो इसके अनुसार अब से लगभग लेकर के 250 वर्षों की बात है, 250 वर्ष की बात है, वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने भी जो है अपने अनुसार दो जगतों को स्पष्ट किया। फर्स्ट नंबर जो है यानी जगत जंतु और दूसरा पादप जगत। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में जो है यानी जीव जगत को सिस्टमा नेचुरी सिस्टमा नेचुरी सिस्टमा नेचुरी में जो है जीव जगत को दो जगतों में बांटकर वर्गीकरण किया, और पहला जगत वही यानी इनमें जो है किंगडम बनाया। तो इस किंगडम में यानी जगत में फर्स्ट नंबर प्राणी जगत और दूसरा है पादप जगत, एनिमल किंगडम, और दूसरा है प्लांट किंगडम। लेकिन बात यह है कि इनकी जो मतलब ये प्रक्रिया थी, इसमें कुछ ऐसे तथ्य थे और इन्होंने जो है कुल मिलाकर इसे तीन आधारों पर बताया। फर्स्ट नंबर ये बताया था लिनियस ने कि केवल पादप कोशिकाओं में ही पर्णहरिम पाया जाता है, यानी इन्होंने जो अपना ये वर्गीकरण किया, दो जगतों की बात किया, इसमें इन्होंने कुछ ऐसे आधार माने हैं और उस आधार को इन्होंने पहला नंबर बताया ये कि जो है केवल पादप कोशिकाओं में ही जो है पर्णहरिम पाया जाता है, अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा लक्षण है जो पौधों में पाया जाता है, पौधों में ही पर्णहरिम है, जिसके कारण पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और ये स्वकोशी होते हैं। तो बात यह है, और दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि पादप कोशिकाओं की चारों ओर जो होता है यानी पादप सेल है, प्लांट सेल है, तो पादप कोशिकाओं के चारों ओर क्या होता है, सेलोस
की बनी हुई भित्ति पाई जाती है। सेलोज नामक पदार्थ की बनी हुई क्या होती है, भित्ति अर्थात सेलवाल इनकी जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है सेलोज की बनी होती है। तीसरी बात इन्होंने ये बताया कि केवल जंतुओं में ही लोकोमोशन जैसे है मोशन है, और इसके साथ साथ क्या होता है स्टिमुलेशन होता है संवेदनशीलता। तो ये दो लक्षण होते हैं, यानी कि कहा इन्होंने कि जंतुओं में केवल ऐसा दो लक्षण है, यानी जंतुओं में क्या दो लक्षण है, यानी कि जैसे इसमें गमन और कहते हैं संवेदनशीलता, यानी संवेदनशीलता, ये दोनों लक्षण ही केवल जंतुओं में ही पाए जाते हैं। यानी इन्होंने इस तथ्यों के द्वारा स्पष्ट किया दो जगत को। बात ये थी कि ये कहना थोड़ा कठिन था, और ये समस्या का समाधान जो है आगे कुछ लोगों ने जो है यानी इन दोनों दो जगतों की प्रणाली को जो है स्पष्ट नहीं समझ सके, और इसमें कुछ ऐसे संशोधन किए करने के पश्चात तो बताया कि जीवों की यह दो जगत वाली प्रणाली ठीक नहीं थी। इस समस्या का हल अर्नेस्ट हीकल ने, एक वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हीकल, इन्होंने क्या किया, केंद्रक विहीन और केंद्रक युक्त, यानी कि केंद्रक विहीन सूक्ष्म जीव और केंद्रक युक्त सुकेंद्री जीव, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, एक कोश की और बहु कोश की जीव होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक कला नहीं पाया जाता है, स्पष्ट नहीं होता है, तो इनको इस प्रकार से जो है दो जगतों में रखना उचित नहीं। इस आधार पर जो है यानी कि ये समस्या बनती गई, और धीरे धीरे क्या हुआ आगे बढ़ते गए, तो अर्नेस्ट हीकल ने कहा कि जो है हम इसे नए तरीके से जो है दो जगतों में यानी स्पष्ट रूप से वर्गीकरण करते हैं। इन्होंने प्रोकैरियोटिक अर्थात सुकेंद्री या एक केंद्रीय जीवों को क्या किया, अस्पष्ट रूप से दो जगतों में रखा। पहला नंबर इन्होंने मोनेरा जगत बताया, मोनेरा जगत में जो है एक कोशिकीय यानी पूर्व केंद्रीय जीवों को इन्होंने रखा, अर्थात इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों को रखा, और दूसरा जो है सुकेंद्री अर्थात ये जो है जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है, केंद्रक कला पाया जाता है, और ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनको इन्होंने जो है प्रतिष्ठा जगत के अंतर्गत रखा। लेकिन फिर भी क्या हुई, इस प्रक्रिया में इस नामकरण की इस वर्गीकरण की प्रक्रिया में क्या थी समस्याएं और थी, और इस समस्या का निदान जो है आगे स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक आर्य छिटेकर ने जो है 1983 ईस्वी के लगभग जो है इन्होंने जीवधारियों को इस पृथ्वी पर या समस्त स्थानों पर पाए जाने वाले प्राणियों को, जीवधारियों को इन्होंने 5 जगतों में वर्गीकरण किया है, जिसका फर्स्ट जगत इन्होंने बताया मोनेरा, और दूसरा जगत तीनों ने बताया प्रोटिस्टा, तीसरा जगत तीनों ने ये बताया फंजई यानी कवक कहते हैं इसको, फंजई तीसरा हो गया, चौथा इन्होंने बताया प्लांटी का मतलब पादप, प्लांटी, और पांचवा इन्होंने बताया एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत। इस प्रकार से जो है आर्य छिटेकर ने जो है वर्गीकरण की अस्पष्ट प्रणाली को जो है अर्थात जीवधारियों के वर्गीकरण की एक नई प्रणाली को स्पष्ट किया, और इसके आधार पर जो है इन्होंने 5 जगतों की प्रणाली को प्रस्तुत किया, जिसमें फर्स्ट जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, और तीसरा कवक, और प्लांटी,
चौथा पांचवा जो है एनिमेलिया। इस आधार पर जो है यह प्रणाली आज आधुनिक समय में भी जो है मान्य है, और इसी के अनुसार आज इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारियों का जो होता है वर्गीकरण किया जाता है। आज यहीं तक आप लोगों को हम बता रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम क्रम से जो है एक एक जगत का स्पष्ट रूप से व्याख्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसे आप लोग नोटबुक बना करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।